आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ा था? प्लेस वैल्यू, उसकी एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको होमवर्क दे दी थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, इसमें हम करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, देखिए आपके बुक में एक्सरसाइज 2.2 में दे रखा होगा प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी हम देखिए क्या करेंगे, जैसे कि ये 95 है, 95 दिख रहा है सबको। पहले अब हमें देखते हैं कि कौन सा इसमें वंस है, कौन सा टेंस है और कौन हंड्रेड्स है। आपको पता है कि राइट हैंड लेना है अपना और उसके लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करना, कभी पहले वाले डिजिट से स्टार्ट नहीं करते। तो ये क्या हो गया हमारा वंस और ये क्या हो गया हमारा टेंस। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमारा हंड्रेड इसमें कुछ नहीं है। तो अभी एच का मीनिंग है हंड्रेड, टी से टेंस, इससे ओ से वंस। तो देखिए 95 में 100 है कुछ कुछ भी नहीं है तो आप इसे जीरो लिखेंगे। टेंस में देखिए, टेंस क्या है आपका नाइन, टेंस क्या है आपका नाइन, तो आप नाइन लिखेंगे। और फाइव क्या, वंस क्या है आपका इसमें फाइव, तो आप इसमें क्या लिखेंगे फाइव। समझ आया सबको? अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। तो अब देखिए 285, अब हम क्या करेंगे अपना राइट हैंड लेंगे और लास्ट वाले डिजिट से हम प्लेस वैल्यू करेंगे। पहला क्या होता है हमारा वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड। पहले लास्ट से स्टार्ट करते क्या होता है वंस, देन टेंस, उसके बाद हंड्रेड। तो यहाँ पे ओ दिख रहा है, ये थे वंस की प्लेस पे आपका कौन सा डिजिट है फाइव, वंस की प्लेस पे कौन सा है फाइव। देन टेंस की पे क्या है एट और फिर हंड्रेड की टू। आपको ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी है, ये हंड्रेड है, ये टेंस है और ये वंस है। और यहाँ पे भी आपको दे रखा है, आपको बताना है कि इन तीनों डिजिट में से हंड्रेड कौन सा है, टेंस कौन सा है और वंस कौन सा है। एक और देखिए थर्ड में लिखती 485। अब इसमें से आप मुझे बताएंगे कि 100 कौन सा है, 10 कौन सा है और 1 कौन सा है। इसमें से देखिए मैंने पहले बताया था लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है आपका 1s, ये क्या है आपका 10s और ये क्या है आपका 100। तो 1s के प्लेस पे क्या आएगा 5। देखिए यहाँ पे 1s लिखा है, आप आगे से भी स्टार्ट करिए, पीछे से भी स्टार्ट, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 100 के प्लेस पे क्या है 4, तो आप क्या लिखेंगे 4। फिर यहाँ क्या पूछा है 10s, तो 10s की प्लेस पे क्या है 8, 8 लिखेंगे। और वंस, वंस की प्लेस पे क्या है 5, तो 5। समझ आ रहा है सबको? मैं एक बार और बताती हूँ, अपना राइट हैंड लेना है और फिर स्टार्ट करना है। अपना राइट हैंड लेना है और लास्ट वाले से प्लेस वैल्यू करेंगे। पहला आता है वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। समझ आ रहा है सबको? पहले क्या होता है राइट हैंड से, सबसे लास्ट वाले डिजिट से वंस, फिर देन टेंस और फिर देन हंड्रेड। ओके, सबको समझ आया? अब देखिए इसमें क्वेश्चन सेकेंड है, जो आपके एक्सरसाइज 2.2 है उसके नेक्स्ट वाला जो चार्ट है आपका ये वाला है। अब इसमें देखिए, पहले हमने न्यूमरल्स आपको दे रखा था, अपने हंड्रेड टेंस और वंस लिखा था। अब हंड्रेड टेंस और वंस दे रखा है, आपको न्यूमरल्स लिखना है। जैसे पहले अगर आप तीन डिजिट का वर्ड हो तो पहले क्या आता है हंड्रेड आता है, फिर टेंस आता है और फिर वंस आता है। आपको इसकी जगह पे ये डिजिट रखनी है, ठीक है? तो 100 के प्लेस पे क्या है 2, 100 के प्लेस पे क्या है 2, तो मैं पहले क्या रखूँगी 2, टेंस के प्लेस पे क्या है 4, क्या लिखूँगी 4, वंस के प्लेस पे क्या है 5, तो मैं क्या लिखूँगी 5। सबको समझ आ रहा है? मुझे 100, टेंस और वंस दे रखा है और मुझे न्यूमरल्स बताने हैं इसमें क्या होगा। अब देखिए वंस क्या है मेरा 7, तो मैं क्या लिखूँगी 7, क्योंकि पहले क्या आता है वंस आता है, उसके बाद हमारा 6 है, तो 6 पे मेरा टेंस किस पे है 6 पे है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 6। और देन 100 पे क्या है हमारा 2, तो मैं क्या लिखूँगी 2। ओके, अब फिर से देखिए वंस पे क्या है हमारा 4, तो मैं क्या लिखूँगी 4। और फिर टेंस पे क्या है हमारा 2, तो मैं क्या लिखूँगी 2। और फिर 100 पे क्या है 8, तो क्या लिखूँगी 8। सबको समझ आ रहा है? पहले क्या था, हमने 100 टेंस वंस लिखा था,
अब हमने 110 और वंस दे रखा है और हमने न्यूमरल सीखना है। लास्ट से स्टार्ट करना है, वंस क्या है 4, टेंस क्या है 2 और 100 क्या है 8। ओके, सबको समझ आ रहा है? सो आपको एक्सरसाइज 2.2 जो करनी है, फिल करनी है इन योर बुक। एक्सरसाइज 2.2 आपको फिल करनी है अपने बुक में। ओके, और सारा एक्सरसाइज फिल करके मुझे सेंड करना, बहुत ही नीटली काम करना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बस आपको प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस, टेंस और फिर देन 100। ओके, तो एक्सरसाइज 2.2 आपको अपने बुक में फिल करनी है। थैंक यू।